लोकसभा चुनावों की बिसात बीत चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस टुकड़ों में अपनी सूचियां जारी कर रही है। बीजेपी जहां इस बार 400 प्लस का दावा कर रही है, तो पिछले 10 सालों से राजस्थान में बीजेपी 25 में से 25 सीटें अपनी झोली में डाल रही है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है कि बीजेपी राजस्थान के लोकसभा चुनावों में फिर से बाजी मारती हुई नजर आ सकती है। हालांकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस इस बार कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रही है। टिकट वितरण को लेकर लगातार राजस्थान में कांग्रेस को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चूरू से चाहे राहुल कसवा हो, जैसलमेर बाड़मेर से उमेदाराम बेनीवाल हो या फिर जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा हो, इन लोगों के नाम लगातार चर्चाओं में हैं। इसके साथ ही जयपुर शहर की सीट से सुनील शर्मा का नाम भी काफी चर्चाओं में है। देखिए, इस बार अगर लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने दो सीटों को गठबंधन के तहत छोड़ा है। पहली सीट है सीकर की तो दूसरी नागौर की। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि नागौर से गठबंधन के तहत आरएलपी के लिए कांग्रेस सीट छोड़ सकती है, क्योंकि 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी ने आरएलपी से गठबंधन करते हुए हनुमान बेनीवाल के लिए वो सीट छोड़ी थी और दोनों ही चुनावों में हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन की इस सीट पर जीत हासिल की थी। तो वहीं इस बार ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने अपने पाले में शामिल किया और नागौर की सीट से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है। ज्योति मिर्धा की अगर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल एक बार पहले ज्योति मिर्धा को पटकनी दे चुके हैं। ऐसे में इस बार नागौर की सीट से जो मुकाबला है वह काफी रोमांचक नजर आ रहा है। हालांकि मिर्धा परिवार के कुछ बड़े नाम बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद ज्योति मिर्धा का पलड़ा भारी बताया जा रहा है, लेकिन नागौर में हनुमान बेनीवाल यानी कि आरएलपी के सुप्रीमो का दबदबा है, वह पूरे देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस ने जैसे ही अपनी सूची जारी की और सूची में आरएलपी के लिए नागौर की सीट छोड़ने का ऐलान किया, उसके साथ ही ये साफ हो गया है कि कांग्रेस का आरएलपी से गठबंधन हो गया है और अब आरएलपी के लिए हनुमान बेनीवाल नागौर की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में नागौर की सीट अब हॉट सीट में सबसे ऊपर आ रही है, क्योंकि एक और मिर्धा परिवार का साथ मिलने के बाद ज्योति मिर्धा कांटे की टक्कर हनुमान बेनीवाल को देती हुई नजर आएगी। तो वहीं हनुमान बेनीवाल पिछले 10 साल से जो इतिहास बनाते आ रहे हैं, उस इतिहास को दोहराने के लिए उनकी जो चुनौती है वह भी काफी टक्कर की हो सकती है। हॉट सीट में पहली बात हमने नागौर की, अब दूसरी जो हॉट सीट है वह है चूरू सीट। देखिए, इस बार बीजेपी ने राहुल कसवा का टिकट काटते हुए पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले देवेंद्र झांझड़िया को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे नाराज होकर राहुल कसवा ने तुरंत पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और महज कुछ ही दिनों में कांग्रेस ज्वाइन करते हुए अब वहां से ताल ठोकी है। एक तरफ राहुल कसवा ने कांग्रेस ज्वाइन की और दूसरे दिन जो सूची जारी हुई उस सूची में राहुल कसवा का नाम चूरू से कांग्रेस की सूची में शामिल किया गया, यानी कि दूसरी हॉट सीट अब चूरू की बन चुकी है। पिछले 50 सालों से चूरू की राजनीति में कसवा परिवार का दबदबा है वह देखने को मिला है। राहुल कसवा दो बार सांसद का चुनाव लगातार जीते हैं, तो वहीं उनके पिता भी चूरू से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में देवेंद्र झांझड़िया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वह राहुल कसवा है और चूरू की सीट इस हॉट सीट की सूची में दूसरे नंबर पे आती है, क्योंकि यहां पर अब चुनाव है वह काफी टक्कर का हो गया है। जयपुर शहर और ग्रामीण की अगर बात की जाए तो दोनों ही जो नाम हैं जो कांग्रेस ने जारी किए हैं, वह दोनों ही नाम थोड़े कार्यकर्ताओं के गले उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर शहर से सुनील शर्मा और जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा। हालांकि लंबे समय से अगर बात की जाए तो अनिल चोपड़ा लगातार जयपुर ग्रामीण सीट को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे, क्योंकि कहा जाता है कि अनिल चोपड़ा पर जो हाथ है वह सचिन पायलट का है और इस जयपुर ग्रामीण की सीट को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के बीच काफी ठनठनी भी नजर आई थी, लेकिन आखिरकार जीत सचिन पायलट की हुई और यह टिकट अनिल चोपड़ा की झोली में जा गिरा। तो वहीं
सुनील शर्मा की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, इससे पहले उनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। हालांकि वह सक्रिय रूप से राजनीति में थे, लेकिन अब तक वह सिर्फ चुनाव लड़ाने का काम कर रहे थे, कभी चुनाव लड़ा नहीं है। ऐसे में जयपुर शहर की जो सीट है वह कांग्रेस के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। तो वहीं अनिल चोपड़ा को जयपुर ग्रामीण से टिकट देने के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अब जयपुर ग्रामीण पर किस पर दाव खेलती है। ऐसे में जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की सीट थोड़ी पेचीदगियों भरी रह सकती है। हालांकि हॉट सीट की श्रेणी में इन दोनों ही सीटों को नहीं डाला जा सकता। तो वहीं विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे भजनलाल जाटव को धौलपुर करौली से जो टिकट है वह मिला है। ऐसे में देखना होगा कि मंत्री रहते हुए कांग्रेस के भजनलाल जाटव, जहां विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में वह लोकसभा चुनाव में जनता के मनों में कैसी जगह बना सकते हैं और इस सीट को जीतने के लिए वह क्या प्रयास करते हैं, ये भी देखने वाला विषय है। लेकिन लोकसभा चुनाव में इस समय जितनी भी टिकटें घोषित हुई है उसमें सिर्फ दो सीट है जहां पर सबसे ज्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है। वह पहली सीट है चूरू की और दूसरी सीट है नागौर की। तो वहीं बाड़मेर जैसलमेर में उमेदाराम बेनीवाल, यानी कि उमेदाराम बेनीवाल भी थोड़ी सी विपक्षी की समस्याएं खड़ी करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तमाम जो अपडेट है उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़। मैं हूं ललित वर्मा।